Hello dear learners, welcome back to Bit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Bit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first Navy foils hijacking bid by Somali pirates. Somali pirates rescues 19 Pakistan nationals. ठीक है, एक important news है from the Indian Ocean region, तो we have to complete it. Second is India US tie will make द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर. ठीक है, सो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो है एक स्ट्रॉन्गर पोजिशन में होगा बिकॉज इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड अमेरिका इज़ वन ऑफ द बिगर डेमोक्रेसीज, राइट. सो इन दोनों का जो है टाइज जो है इट विल मेक द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एंड वर्ल्ड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑल्सो स्ट्रॉन्गर. थर्ड इज आफ्टर 4 years ऑफ सर्वे इंडिया स्नो लेपर्ड काउंट पुट एट 1718. ठीक है, सो वी हैव सीन ड्रास्टिक इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया. सो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. एंड लास्ट इज इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स फॉर ऑफ मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. ठीक है, तो एक एक करके सारे न्यूज़ को देखते हैं. फर्स्ट इज नेवी फॉयल्स हाईजैकिंग बिड बाय सोमाली पायरेट्स रेस्क्यूज 19 नेशनल्स. ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि पायरेट्स अटैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इन द इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक देखने को मिल रहा है कि हाउ इंडियन नेवी इज इंडियन नेवी इज एक्टिवली एंगेजिंग. ठीक है, इंडियन नेवी इज एक्टिवली एंगेजिंग टू कर्ब दिस पायरेसी. ठीक है, ये पायरेट्स का जो अटैक है वो बेसिकली सोमालिया जो एक कंट्री है, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था और मैंने आपको मैप में भी दिखाया था. सोमालिया जो है आपका कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर जो है आपको देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा जो है अटैक्स हो रहे हैं बाई द पायरेट ग्रुप. तो उनको कर्ब करने के लिए इंडियन नेवी ने जो है टाइम एंड अगेन जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस किए थे. ठीक है, बहुत सारे शिप्स को जो है हमने रेस्क्यू किया. इस बार एक ईरानियन वेसल जो है शिप फिशिंग करने के लिए निकले थे और उनको जो है हाईजैक कर लिया था, बट हमारे आईएनएस सुमित्रा ने जो है इस अटैक को रोका. और ये देख सकते हैं आप पिक्चर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडियन जो कमांडोज़ गए हैं और उन्होंने जो है डिटेन कर दिया इन सारे जो पायरेट्स हैं उनको जो है डिटेन कर दिया. ठीक है, सो जिन्होंने फिशिंग वेसल पे अटैक किया था हमने उन्हीं को ही काउंटर एक्ट करके उनको वी हैव डिटेन देम. ठीक है, तो ये जो वेसल था उसका नाम फिश पकड़ने वाला वेसल था, इसका नाम था अल नाइमी. ठीक है, अल नाइमी. एक आपको याद होगा कि US का एक वेसल भी मूव कर रहा था इन द सोमालियन रीजन, वहाँ पे द पायरेट्स हैड अटैक देम और हमने जो है वी हैड रेस्क्यूड देम. ठीक है, एक और वेसल था, तो मतलब इन्हीं कुछ 2-3 दिनों में ही बहुत बार अटैक्स हो गए थे और हमने जो है अटैक्स का जो है अच्छा जवाब दिया है टू दी पायरेट्स, राइट. सो ये देख सकते हैं INS सुमित्रा ने जो है वी हैव INS सुमित्रा के मदद से जो है हम लोगों ने स्विफ्ट एक्शन या फिर स्विफ्ट रिस्पॉन्स हम जो है कर पाए थे. ठीक है, तो वेसल का नाम क्या था, अल नाइमी. ठीक है, अल नाइमी, और इसमें 19 पाकिस्तान नेशनल्स भी थे. ठीक है, 19 पाकिस्तानी नेशनल्स भी थे, उनको भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एंड अनदर इंसिडेंट अ कोऑर्डिनेटेड मल्टीलेटरल रिस्पॉन्स बिटवीन इंडियन नेवी सीशेल्स डिफेंस फोर्सेज एंड श्रीलंकन नेवी फॉइल द हाईजैकिंग बिड ऑन श्रीलंकन फिश ट्रॉलर. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है इन पे भी एक हाईजैक करने की कोशिश की थी, फिश ट्रॉलर को जो है श्रीलंकन जो फिश ट्रॉलर है उस पर भी अटैक करने की कोशिश की गई थी. ठीक है, तो ये अल नाई में आपको याद रखना है. एंड एक हमारा एक स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं सागर. ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सागर. ये हमने 2015 पे हमारा एक स्ट्रैटेजिक विजन था. ठीक है, हम ये करना चाहते थे कि इंडियन ओशन रीजन में हम क्या बनना चाहते हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं. ठीक है, क्या बनना चाहते हैं, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. मतलब अगर इंडियन ओशन रीजन में बहुत सारे दिक्कत कुछ ना कुछ होते रहता है. ठीक है, जैसे अभी आप देख सकते हैं पायरेट्स का अटैक. ठीक है, सो पायरेट्स का अटैक हो गया एंड कोई थ्रेट है, मैरीटाइम थ्रेट है. ठीक है, तो व्हाट इंडिया वांट्स टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस रहे इन द इंडियन ओशन रीजन. इसीलिए हम जो है हम लोग सागर इनिशिएटिव के द्वारा जो है कोऑपरेशन मांगते हैं. ठीक है, वी आर आइंग फॉर द कोऑपरेशन और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, मैरीटाइम, जितना भी मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम कॉमन कोऑपरेशन, इन सब पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे फोकस करने की कोशिश की है. ठीक है, थ्रू सागर इंडिया सिक्स टू डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इट्स मैरीटाइम नेबर्स. ठीक है, हम जो है अपना डीप करना चाहते हैं
हमारे रिलेशन जो है कोऑपरेशन के द्वारा जो है हम रिलीज डीप करना चाहते हैं इन दी हमारे जो भी मैरीटाइम नेबर्स है, मैरीटाइम नेबर्स जैसे कि हमारा श्रीलंका है, मालदीव्स है, ठीक है, ये सारे है, सी शेल्स हो गया, ये सारे जो है हमारे नेबर्स है, ठीक है, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, सी शेल्स हो गया, ठीक है, एंड ऑल्सो जो बाकी कंट्रीज जो इंडियन ओशन रीजन के आसपास आते हैं उनको भी वी वॉन्ट टू गिव देम सिक्योरिटी, ठीक है. फॉर दिस इंडिया वुड कोऑपरेट ऑन द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोस्टल सर्वेलेंस, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथनिंग देयर कैपेबिलिटीज, ठीक है. तो हम जैसे एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन को, कोई भी डिस्ट्रेस होगा तो हम जाके वी वुड यू नो हम जाके वहाँ पे वी वुड शो अप एंड वी विल हेल्प द मैरीटाइम नेबर, ठीक है. फर्दर इंडिया सिक्स टू सेफगार्ड द नेशनल इंटरेस्ट एंड इंश्योर इंडियन ओशन रीजन टू बिकम इंक्लूसिव, कोलैबोरेटिव एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ से ही आपको रिवाइज करना होगा यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, यूएन क्लोज, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सो दिस कन्वेंशन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कवर इट, ठीक है. ओके, वी कैन मूव ऑन फर्दर. द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया यूएस टाई विल मेक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर. तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक मीटिंग हुआ था, ठीक है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इनका जो है एक मीटिंग हुआ था जहाँ पे हमारे श्री राजनाथ सिंह जी ने जो है गया वहाँ पे गए और वहाँ पे जो है उन्होंने बात की अबाउट डेमोक्रेटिक कंट्रीज कमिंग अप टुगेदर. और जो हम क्या है, हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लोकतांत्रिक देश को. सो बिकॉज बोथ ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, ठीक है, भले ही यहाँ पे जो है सिस्टम्स अलग अलग हो, जैसे आपको पता होगा कि यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ओनली, ठीक है, और इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है. सो दोनों बिगर नेशंस जो है अगर हम साथ में कोलैबोरेट करेंगे तो वी विल रीच सम ग्रेटर एवेन्यूज, राइट. बहुत सारे देश में हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप है, ठीक है, डिक्टेटरशिप है, एंड वी कैन सी यू नो मोनार्की, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. सो ये भी माना जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिल नाउ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम कर सकते हैं, बिकॉज हमारे जो डिसीजंस होते हैं वही अल्टीमेटली वही शो होता है. ये डिक्टेटरशिप हो गया, अथॉरिटेरियन कोई रिजीम हो गया, सो वहाँ पे क्या होगा कि दैट विल बी अ लॉ ऑफ वन पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ एलीट, ठीक है, तो उसमें नहीं जाकर. बट डेमोक्रेसी क्या रिप्रेजेंट करता है, जो लोग है, यू एंड मी, वही हमारा डेमोक्रेसी का बेस है, राइट. वी गो, वी गिव इलेक्शंस, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, वी गिव आर वोट, वी कास्ट आर वोट एंड देन वी कम बैक, राइट. सो क्या है, ये एक डेमोक्रेसी प्रोसेस का जो है हम हिस्सा बनेंगे तभी हमारा एक ग्रेटर से रहेगा इन दी गवर्नमेंट. तो यही बात की गई है कि हमें जो है दोनों कंट्रीज़ को जो है एक्सचेंज करना चाहिए हर सेक्टर में, ठीक है, हर सेक्टर में दोनों कंट्रीज़ का कुछ जो है एक कोलैबोरेशन, एक कोऑपरेशन देखने को मिलना चाहिए, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल, ठीक है. तो यहाँ पे वही बात की गई है कि द टेक्नोलॉजिकल एंड द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ फ्रॉम यूएस एंड कैन हेल्प इंडिया अचीव इट्स गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047. हमने क्या एम किया है, हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन जो है वो बन जाएंगे. और अगर हमारा जो है इसी तरीके से अच्छा रिलेशनशिप रहा विथ यूएस तो हम क्या करेंगे, काफ़ी जल्दी जो है हम क्या बन पाएंगे, वी विल अचीव दी डेवलप्ड स्टेज, ठीक है. और उसके बाद क्या होगा, वाइल इन्वेस्टमेंट हियर कैन गिव दी अमेरिकन कंपनीज हाई रिटर्न्स एंड एवेन्यू ऑफ डी रिस्किंग, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूजडे, ठीक है. तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ अ वेरी बिग मार्केट एंड वेरी पोटेंशियल मार्केट, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड यू कैन सी इंडिया इज विटनेसिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है, 7% का जो है हम लोगों ने आई किया है, जो है हमारा ग्रोथ जो होगा हम 7% आई करेंगे. सो इफ बोथ द कंट्रीज जो है, अगर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ करेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा, ठीक है, एंड इंडियन डायस्पोरा इज ऑल्सो वेरी बिग, रिमेंबर, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा इज वेरी बिग, इन यूएसए, ठीक है. तो ये बहुत एक अच्छा जो है हम कल्चरल एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एंड साथ ही हर लेवल पे मिलिट्री, डिफेंस, ट्रेड, फिर कल्चरल, एवरीथिंग, फूड, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, हम उस पर क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं
ठीक है। सो यहाँ पे वही बात की गई है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड यूएस इन अनदर बिग डेमोक्रेसी। व्हेन टू बिग डेमोक्रेसीज कोऑपरेट विथ ईच अदर इट विल डेफिनेटली मेक द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर। ठीक है। सो इसकी वो क्या करेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली क्या करेगा, जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है। सो ये क्या है, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, स्ट्रेंथनिंग इंडो यूएस रिलेशनशिप इन अमृतकाल, आत्मनिर्भर भारत ऑर्गेनाइज बाई इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। सो यहाँ पे दे हैव डिस्क्राइब कि किस तरीके से जो है हम अपना इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम उसको अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बेटर कर सकते हैं उसके बारे में ही यहाँ पे पूरी तरीके से बात की गई है। आपको याद रखना हमारा जो है वी इंडिया, और हमारे केस में क्या है, इंडिया के लिए यूएस इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है। इंडिया के लिए यूएस इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और हमारे जो है टाइज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है विद यूएसए। ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आप एक बार जब आप स्टडी करेंगे तो आप एक बार इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आपने जब आप पढ़ते हैं तो आप कंट्री वाइज पढ़ते हैं, राइट। सो आप जो है यूएस का जो है रिलेशनशिप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, बिकॉज वी कैन गेट अ क्वेश्चन। ठीक है। बिकॉज यूएस इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन ओशन रीजन, या फिर यूएस इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया, यूएस इन्वॉल्वमेंट इन इंडो पैसिफिक, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ है। ठीक है। तो इसके ऊपर आपको यू नो यू हैव टू कीप एन आई, यू हैव टू कीप अ टैब, और ऑल्सो यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ सर्वे इंडिया स्नो लेपर्ड काउंट पुट एट 780। तो आप देख सकते हैं दिस इज सच अ मैग्नानिमस एनिमल। ठीक है। ये क्या है, एक बहुत मैग्नानिमस एनिमल है, एंड दीज एनिमल्स क्या करते हैं, हमारा कितना वेरिएशंस है इन दी कंट्री आप देख सकते हैं। कहीं पे आपको सुंदरबन डेल्टा में आपको रॉयल बंगाल टाइगर में देखने को मिलेगा, स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे, बिग कैट्स में आपको चीता देखने को मिलेगा, गिर में आपको लायंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। टाइगर्स आपको देखने को मिलेगा नागार्जुन श्रीशैलम में, टाइगर रिजर्व में। ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री शोज एंड इट हैज सो मच बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा के वाइज से भी, फौना के वाइज से भी, एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल। ठीक है। देखिए कितना मैग्नानिमस ये एनिमल है स्नो लेपर्ड, जो हमारे हिमालयन स्टेट्स में हमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो ये क्या है, इंडिया हैज एन एस्टिमेटेड 718 स्नो लेपर्ड वाइल्ड इन दी वाइल्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 4 ईयर लॉन्ग एस्टिमेशन एक्सरसाइज, द रिजल्ट ऑफ विच वेयर मेड पब्लिक ऑन ट्यूजडे। द स्नो लेपर्ड इज नोन टू बी एन इल्यूसिव केट एंड लोकेटेड इन द माउंटेनस टेरेन दैट इज हार्ड टू एक्सेस एंड एक्सरसाइज फॉर इट्स फर्स्ट टाइम मार्क्स टू बी द बेस थ्रेश होल्ड फॉर द एनिमल नंबर इन इंडिया। ठीक है। तो पहली बार जो है ये नंबर्स जो है वो काउंट किया गया है। ठीक है। 718 लेपर्ड्स है। ठीक है। सो आपको क्या जानना है कि हाईएस्ट नंबर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इन द लद्दाख। ऑब्वियसली स्नो माउंटेनस रीजन में है, स्नो वाले एरिया में है, तो लद्दाख में देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, फिर उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा, सिक्किम में और जम्मू कश्मीर में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो द एस्टिमेट पुट्स द नंबर ऑफ इंडियन स्नो लेपर्ड्स बिटवीन 10-15% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। मतलब ये क्या है कि आपको हिमालय स्टेट में देखने को मिलेगा, हिमालयन स्टेट में, फिर आपको तिब्बत मंगोलिया तक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो ये क्या है कि आपको 10-15% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन का जो है स्नो लेपर्ड का, वो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं, IUCN के हिसाब से वो क्या है, एक वल्नरेबल स्पीशीज में आते हैं। ठीक है। साइटीज में वो अपेंडिक्स 1 में है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो शेड्यूल 1 में आते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे इन्वायरमेंट का कंसेप्ट, इन्वायरमेंट जब आप पढ़ेंगे तब आई एम श्योर ये आपको टॉपिक मिला होगा, दिस इज स्टैटिक टॉपिक। ठीक है। बहुत स्टैटिक टॉपिक है, बहुत कोर टॉपिक्स है। ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, IUCN रेड डेटा बुक, ठीक है, ये सब बहुत कोर टॉपिक्स है। साइटीज जो है आपका बहुत कोर टॉपिक्स है, आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका हैबिटेट क्या है, बहुत वास्ट है बट फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन है इन दी माउंटेनस लैंडस्केप ऑफ सेंट्रल एशिया, जो आपके 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, विच कवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालयस सच एज लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी स्नो लेपर्ड का काउंट आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। और आजकल जो है आप देख सकते हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर के कुछ 4-5 साल के भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम जो है स्पीशीज पे क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है। स्पीशीज पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इस बार भी ओरैंगुटैन पे क्वेश्चन आया था 2023 पे। सो स्पीशीज का, और उसके बाद बिहेवियर, स्पीशीज का बिहेवियर किस तरीके से है, उन सब के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है। स्नो लेपर्ड भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑप्शन में था। ठीक है। स्क्विरल्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो
इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है स्पीशीज को अच्छे से कवर करें. जैसे बहुत थ्रेटेंड स्पीशीज जो होते हैं, जैसे ये स्नो लेपर्ड भी है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं राइट, कि लेपर्ड्स वगैरह तो उनका तो स्टेटस तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही होगा, बट असल में स्नो लेपर्ड इज वल्नरेबल. उनका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है. ठीक है, सो क्या है हमें जानना है, स्पेशली दोज आर नेटिव स्पीशीज. ठीक है, हमारा जो है नेटिव स्पीशीज है उनको अच्छे से जानना होगा, साथ ही जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है. ठीक है, जैसे आपका मलाबार सिवेट हो गया, ठीक है, आपका जो है टाइगर्स हो गया, ये सब क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. ठीक है, सो ये सब क्या है कि आपको जानना होगा उन सब के बारे में. ठीक है, एंड स्पीशीज जो है आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, इसीलिए आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, लास्ट इज इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, तो यूनेस्को जो है अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट जो है वो निकालता है एवरी ईयर. ठीक है, सो यहाँ क्या है, इस बार 41st जो है हमारा शांति निकेतन को मिला. ठीक है, शांति निकेतन को मिला, और आपका 42nd जो है वो हॉयसाला एनसेम्बल्स को मिला था. ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड इट. ठीक है, जब मिला था अवार्ड्स तब क्या है हेरिटेज साइट का लिस्ट जब निकला था तब हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था अबाउट दीज टू जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है. तो इंडिया ने इस बार किसको नॉमिनेट किया है, जो 12 फोर्ट्स हैं मराठास के उनको जो है हेरिटेज साइट में डालने के लिए हम लोगों ने वी हैव नॉमिनेटेड दैट. ठीक है, इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स अ नेटवर्क ऑफ फोर्ट्स दैट शोकेस द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पावर्स ऑफ मराठा रूल फॉर इंक्लूजन ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट फॉर 2024 and 2025. द 12 कंपोनेंट्स ऑफ द नॉमिनेशन फोर्ट्स ऑफ सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पानहाल, ठीक है, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, ये सारे क्या है इन महाराष्ट्र एंड जिंजी फोर्ट इन तमिलनाडु. ठीक है, तो ये सारे फोर्ट्स को जो है हम ऐड करने की बात करें, ये 12 फोर्ट्स जो है उनको हम ऐड करना चाहते हैं इन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप विच डेवलप बिटवीन 17th and 19th century, जब हमारा देखने को मिला जब से आफ्टर दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत आपको पता है MH अब्दाली वर्सेस दी मराठास हुआ था. सो उसके बाद से, मतलब जब से फ्रैगमेंट होने लगा आपका मुगल एम्पायर, तब से मराठास का राइज हमें देखने को मिला. इन एंटायरिटी ऑफ दी डेक्कन एरिया में आपका कंट्रोल देखने को मिला था, एंड छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो आप सबको पता होगा. सो यहाँ क्या है, हमें देखने को मिला इन्फ्लुएंस ऑफ दी मराठास एंड बैटल ऑफ पानीपत जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बारे में तो आपको पता होगा. सो उस समय से जो है हमारा मराठास का मिलिट्री स्टाइल जो है इट वाज कंसिडर्ड वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी विगरस. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है आपको विगर देखने को मिलेगा. ठीक है, सो रिप्रेजेंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन ऑफ मिलिट्री सिस्टम एनविजन बाय द मराठा रूलर्स. ठीक है, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेटवर्क ऑफ फोर्ट्स वेरिंग इन हायरार्कीज स्केल्स एंड टाइपोलॉजिकल फीचर इज अ रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग लैंडस्केप टेरेन्स एंड फिजियोग्राफिक कैरेक्टर्स एंड डिस्टिंक्टिव्स टू दी सह्याद्री माउंटेन रेंजेस एंड दी कोंकण कोस्ट, डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न घाट्स एंड दी इंडियन पेनिनसुला. ठीक है, सो इसमें क्या बोला गया है कि हमें जो है डिफरेंसेस देखने को मिलता है. जैसे अगर कोई फोर्ट अगर हाई टेरेन पे है तो उसका हाइट छोटा होगा, कोई अगर लो टेरेन पे है तो उसका हाइट बड़ा होगा. ठीक है, तो क्या है, हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. फोर्ट्स तो बना लिए, फोर्ट्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चीज़ का कोई गढ़ है. ठीक है, अगर वो कोई किसी का चीज़ का जगह है, अगर वो कोई गढ़ है तो वो जो है उसके लिए वो एक स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है. ठीक है, तो वो क्या, तो इसीलिए जो है ये क्या है, एक टैक्टिकल रूल था ऑफ दी मराठास. ठीक है, कि इस तरीके से फोर्ट्स बनाना है, फोर्टिफिकेशन करना एक टैक्टिकल रूल था जो कि हमें देखने को मिला. दे हैड यूटिलाइज इट वेरी वेल. और क्या है, हमें देखने को मिलेगा कि जैसे कोस्टल एरियाज में थोड़े हाइट ऊँचे होंगे, आपके पहाड़ वाले एरिया जैसे सह्याद्री माउंटेन्स के वहाँ पर आपको पता होगा कि क्योंकि माउंटेनस रीजन है तो उनका थोड़ा हाइट में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा. एंड सिमिलरली विद द ईस्टर्न घाट्स ऑल्सो. ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डाइवर्स जियोग्राफिकल एंड फिजियोग्राफिक रीजन्स एंड शोकेस द स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पावर ऑफ द मराठा रूल, द यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री सेड ऑन मंडे. ठीक है, द इंसेप्शन ऑफ मराठा मिलिट्री आइडियोलॉजी डेट्स बैक टू 17th century ड्यूरिंग द रेन ऑफ मराठा किंग शिवाजी महाराज. ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही जो है हमें ये देखने को मिल रहा है. ठीक है, एंड कंटिन्यू थ्रू दी सब्सिक्वेंट रूल्स अंडर दी पेशवा रूल. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ये टॉपिक समझ रहे हैं तो आपको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. ठीक है, इंडिया में सबसे पहले किसको दिया गया था, अजंता केव्स को दिया गया था.
अजंता केव्स को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एलोरा वगैरह सबको, ताजमहल को भी उसी साल मिला था, इन द ईयर 1983 में पहली बार, ठीक है। और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो देन यू हैव टू नो अबाउट द मराठा रूल। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो यही होगा, मराठा, फिर टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब के बारे में ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। डेक्कन में जो है देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वेरी कोर टॉपिक अगेन, ठीक है, बहुत कोर टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैंगलोर, ठीक है, बहुत सारे ट्रीटीज़ जो है वो साइन किए गए थे, तो वो आपको जानना होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी कोर टॉपिक, बहुत सारे यहाँ पे ट्रीटीज़ भी साइन किए गए थे, इसीलिए वो नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप इसके साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ़ यू लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड